परवेज मलिक अफरीदी संस्थापक और राहुल द्रविड क्रिकेट अकादमी पुंछ के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आईपीएल सीजन 2021 में उमरान मलिक को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए बधाई दी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परवेज मलिक अफरीदी ने कहा कि उन्हें उमरान मलिक के प्रदर्शन पर गर्व महसूस हो रहा है। वह जम्मू कश्मीर के उभरते हुए सितारे हैं। दो मैचों में उनके प्रदर्शन से एक उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहा है। उमरान ने पूरे जम्मू कश्मीर को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इस युवा बालक की प्रतिभा को पहचानने में अतुलनीय प्रयासों के लिए इरफान पठान और परवेज रसूल की प्रशंसा की। हमें उनकी क्षमताओं, समर्पण और कड़ी मेहनत पर भरोसा है, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय टीम में उनके प्रवेश को दर्शाता है। परवेज मलिक ने कहा कि उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करने की भी पहल की है, ताकि वो भी राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के यहाँ पर एज ए कोच इरफान पठान आए थे, उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के टैलेंट को निकाला था। उसमें इरफान पठान और परवेज रसूल ने कुछ ऐसे लड़के निकाले क्रिकेट के, जिन्होंने वाकया जो है इस वक्त आप देखिए उमरान मलिक और अब्दुल समद जो है, अब्दुल समद रजौरी के हैं और उमरान मलिक जो है वो जम्मू के हैं। उन्होंने इस वक्त जो है आईपीएल जो सेशन चल रहा है दुबई में, पहले कुछ जो कोविड से पहले कुछ मैचेस यहाँ हुए थे हमारे मुल्क में, उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया था दुबई में। आप देखें कि वहाँ पर इस वक्त आईपीएल में जितना भी टूर्नामेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ गेंदबाज जो थे वो उमरान मलिक, जिन्होंने पहले दिन जो मैच खेला था उसमें 150.6 की रफ्तार से बॉल डाला था। और रात सबसे बड़ी बात ये होगी कि रात के मैच में उन्होंने 153 की स्पीड से बॉल डाला। तो मैं अपनी पूरी राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, उनकी फैमिली को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खास करके जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना एक अच्छा टैलेंट निकाला। और खास करके इरफान पठान की बहुत बड़ी मेहनत रही उस वक्त और परवेज रसूल की बड़ी मेहनत रही, ऐसा टैलेंट सामने आया। इसी तनाजुन में मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो सराउंडिंग में डिस्ट्रिक्ट जो है उनके ऊपर भी नजर रखे, वहां से भी वो प्लेयर्स को निकाले। अभी हमारा ही राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी का जो है एक प्लेयर जो है अंडर 19 आपने सुना होगा, इस वक्त इंदौर में खेल रहा है रिदम शर्मा, कल उनकी वापसी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे J&K का और हमारे पुंछ का खास करके जो क्रिकेट है वो काफ़ी उसका फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है। और इंशाल्लाह कल IPL में इंडिया में जो है हमारे नेशनल टीम में जो है हमारे प्लेयर दिखेंगे। तो मैं एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देता हूँ, BCCI को भी मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है हमारे मुल्क के लिए कि इस वक्त IPL में जहाँ तमाम कंट्रीज के प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज गेंद फेंकने वाला जो प्लेयर है वो जम्मू से है, हमारे जम्मू कश्मीर से उमरान मलिक। और जो दूसरा प्लेयर हमारा खेल रहा है वो कालाकोट से है अब्दुल समद। तो मैं इसी पर जो है आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन वक्तन आके जो है हमारी बाइट लेते हैं और राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी की तरफ से पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को इस मौके पर जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। R9 भारत के लिए सुनील आनंद की रिपोर्ट पुंछ से। सामाजिक राजनीतिक संगठन कश्मीर हत्यारों की निंदा करते हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जिला के सामाजिक राजनीतिक संगठन पुंछ ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की भीषण हत्याओं की निंदा की। श्री ताज मीर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि घाटी में प्रचलित शांति के कारण भारत विरोधी ताकतों ने जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए फिर से अपने बदसूरत सिर काट लिए। उन्होंने आगे कहा कि कायरतापूर्ण कार्य अत्यधिक सराहनीय है। संजय रैना एडवोकेट प्रेसिडेंट पीपल फोरम्स ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सीमा पर में कश्मीर की घाटी में मौजूदा शांति और शांति भंग करने की साजिश रची गई है, जो अब अफगानिस्तान से मुक्त हो गए थे, साथ और जरूरत पड़ने पर सीमा पार से मारा जाए। श्री संजय रैना एडवोकेट ने उग्रवादियों के इस कृत्य को बर्बर और भीषण और अत्यधिक निंदनीय करार दिया। मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री मोहम्मद जमान एडवोकेट ने कहा कि आतंकवादियों का यह बर्बर कृत्य अत्यधिक निंदनीय है। भारतीय नेतृत्व को भारत के दुश्मन के भयावह मंसूबों को विफल करने के लिए समय समय पर उठना चाहिए। दोनों नेताओं ने लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील की और सामूहिक रूप से अंदर और बाहर दुश्मन को हराने के लिए एक साथ आए। ये
संजय रैना एडवोकेट है या मंजय उबे एडवोकेट है, चाहे साहब सियासी लीडर हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका अनुरोध कर रहे हैं, ये इंसानी हकूक की जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसकी मजम्मत करने के लिए हम ये इकट्ठे हुए हैं। और मैं कहूँगा कि देख कर इंसान की चंगेजियाँ दहशत वक्त भी शर्माने लगे। इस किस्म के हालात कश्मीर में अगर बेगुनाह लोग मारे जाएं, मासूम लोग मारे जाएं, इंसान का खुले में कत्ल हो, तो मैं समझता हूं कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को संजीदगी से रहना चाहिए। जब एक तरफ आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, एक तरफ के इलेक्शन के होने जा रहे हैं, और ऐसे हालात बन जाएँ। देखिए आज हमारे दो भाई, हमसे एक बहन और एक भाई श्रीनगर में जुदा हो गए, रोज कोई ना कोई आदमी मर जाता है। मैं कहता हूँ ये तो शहादत है, लेकिन मैं अपील करूंगा हिंदुस्तान की हुकूमत से फिर दोबारा बातचीत उमर रैट एक्टिविटीज। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा है कि आज आप देखें कि हमारे जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हो रहे थे, अब फिर हमने देखा है कि इनोसेंट लोगों को कश्मीर में मारा गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और कंडेम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन LG गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर नज़र रखें, इस स्टेट के हालात दोबारा ख़राब करना जो ये लोग चाहते हैं। हमने देखा कि जो जिन लोगों को मारा गया, तमाम कश्मीर के लोग गैर मजबूत मिलत हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे थे और वो सब लोग कंडेम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को नंगा किया जाए, वरना यहाँ स्टेट के हालात दोबारा ना ख़राब हो जाए। जब रात नॉर्मल हो रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि एजेंसी को चाहिए था कि इन चीज़ों पर नज़र रखें। हम सख्ती से कंडेम कर रहे हैं, इनोसेंट लोग थे, हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। इसलिए आज या पूंछ में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आई मैंने देखा कि मुसलमान लोग भी इसको कंडेम कर रहे हैं। ये इंसानियत का फोन है। जब और स्कूल में जा रहे थे तो टीचर ने सुना को मेडिकल। ऑनलाइन भारत के लिए सुनील आनंद की रिपोर्ट, पुंछ से। शोपिया मार्शल आर्ट एसोसिएशन युवा सेवाओं और खेल विभाग के सहयोग से शोपिया स्पोर्ट्स स्टेडियम बाटापोरा शोपिया में पहली बार मार्शल आर्ट्स खेलो कश्मीर का आयोजन कर रहा है। टूर्नामेंट में जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी शोपिया की मौजूदगी में कई नवोदित मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। 3 दिवसीय आयोजन में जूडो, ताइक्वांडो, विशु, पैनक, शिलाट, थंगा और बॉक्सिंग जैसे मार्शल आर्ट जैसे खेल खेले जा रहे हैं। यह पहली बार है जब युवा सेवा एवं खेल विभाग शोपिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की पहल की जा रही है। इस टूर्नामेंट से पूरे कश्मीर में नवोदित मार्शल आर्ट के उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करने की उम्मीद है। खेल अधिकारी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों को अनुभव प्रदान करना है। जिला खेल अधिकारी जब भी छात्रों और खिलाड़ियों को हमारी मदद की जरूरत महसूस होती है, उनके घर द्वार पर उपलब्ध रहते हैं। प्रतिभागियों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मतलब सेलिब्रेशंस है, उसकी टेक्निक सिखाई, बेस्ट टीम ऑफ जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो की उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, कराटे की टीम्स थी, तो एक मैसेज दी हमने कि आप आ जाइए, सेल्फ डिफेंस टू बूस्ट इम्यूनिटी, तो उसके लिए हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। 300 बच्चे आए, तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। इन कोलैबोरेशन डिस्ट्रिक्ट रिसर्च एंड सपोर्ट शोपियां, इनके बहुत ही हम मशहूर हैं, बहुत ही शुक्रिया। R9 भारत के लिए मीश शाहजाद की रिपोर्ट, शोपियां से।